हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डर्मीफोर्ट क्रीम के बारे में। यह डर्मीफोर्ट क्रीम 15 ग्राम के पैक में भी मिलता है, जिसे फंगल स्किन के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। डर्मीफोर्ट स्किन क्रीम एक टाइप का एलोपैथिक क्रीम है, जिसके स्किन के पेशेंट के लिए बनाया गया है। यह स्किन से रिलेटेड डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव क्रीम है। इस क्रीम के यूज़ से स्किन से रिलेटेड कई टाइप्स के प्रॉब्लम्स से रेडनेस मिल सकती है। इस क्रीम के इन्फेक्टेड एरिया में ही इसको लगाएं ताकि सही तरीके से वर्क करे। इसका यूज़ दिन में 2 बार करें, इसे धूप में ना रखें। इस क्रीम को डॉक्टर के एडवाइस के बिना ना लें। यूजेस ऑफ डर्मीफोर्ट क्रीम। डर्मीफोर्ट क्रीम के कौन कौन से यूजेस होते हैं, जैसे फोलिक्यूलाइटिस, फर्निक्यूलोसिस, पेरोनाकाई, मिनरल बैक्टीरिया स्किन इन्फेक्शन, माइक्रोबाइल इन्फेक्शन ऑफ लिविंग सरफेस, फंगल इन्फेक्शन। साइड इफेक्ट ऑफ डर्मीफोर्ट क्रीम। डर्मीफोर्ट क्रीम के कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे स्टिंगिंग, क्रैकिंग, एरिथमा, फोलिक्यूलाइटिस, नमनेस ऑफ फिंगर, स्किन ऑट्रोफी, टेल्यूकेंटेटिस, क्यूजनिंग सिंड्रोम, डिक्रीज प्लेटलेट्स, ब्लेडिंग। पेरिकेशन ऑफ डर्मीफोर्ट क्रीम। डर्मीफोर्ट क्रीम के कौन कौन से पेरिकेशन होते हैं, जैसे हैव ऑन हिस्ट्री ऑफ एपेटेटिक इम्पायरमेंट, पेरेडिस्पोजिशन टू एड्रिनल क्रेंट एंड इंसफिशियंसी। सेकेंड है लिमिटेड एल्कोहल कंसप्शन। थर्ड है टेक एंटर एसिड 1 hours बिफोर और 2 hours आफ्टर दिस ड्रग। फोर्थ है फेस। फिफ्थ है पेरी ओरल डर्मेटिस। वेन नॉट बी यूज डर्मीफोर्ट क्रीम। डर्मीफोर्ट क्रीम को कब यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे एस्टिमेजोल, किज़ाप्राइड, हाइपरसेंसिटिव, पोरफायरिया, डिक्रीजिंग लीवर डिसीज। टर्फेनाडाइन चिल्ड्रन अंडर 2 years ऑफ एज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।